तो तीन को सरस्वती का हो गया एक और सर इम्पोर्टेंट यही थ्री है यही तीनों पर आधारित है सारा क्वेश्चन सर मान के लिए जल्दी बोलो इसको हिला मत और ये को और है रे ऐसा एक्स इन फोर की कितना था तो हमारा क्वेश्चन क्या है ये है कौन सा प्रश्न कौन से सरस्वती का है लागू हुआ इसमें तीन को सरस्वती का लिखा है अरे रे यहाँ देखो तो पहले वहां खिड़की से हटा हटा तो वहां हटा हटा वहां से पैटर्न बना किया है ना कि लाइट उसको खोलो पूरा चलो वहां से उठती है तुम उसमें वहां लगा सारा लाइट चलो वहां से आगे हो वहां कौन बैठेगा और यहाँ ध्यान दो तीन को सर्वस्वामी क्या लिखे हैं इनमें पहला वर्ष ये क्वेश्चन दिया हुआ उनका झापड़ जाएगा सीधा हो जाएगा जब मना कर रहे बातचीत करने के लिए डर नहीं लगता है शर्म नहीं लगता तुम लोग को सब साला पागले पागले बैठा हुआ एक घंटा घस कर सब ये सरस्वतिका का उपयोग करके बनाना यहाँ तीन को सरस्वतिका लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तीन को सरस्वतिका ये तीनों सरस्वतिका में इस पर कौन सा सरस्वतिका का उपयोग होगा पहला दूसरा या तीसरा वो आपको देख के बताओ कि कौन सा सरस्वतिका का उपयोग करें इसमें पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे तीसरा का प्रयोग होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना रे तो इसके बराबर कितना लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया हमारा इसको लिखेंगे फोर एक्स स्क्वायर पूरा कर देंगे और एक का एक ही होगा क्लियर तो यही सरस्वती का उपयोग करके बनाना था एक आगो और बता देते हैं अब कुछ देखो एक क्वेश्चन है एच बी माइनस सी वन का होल स्क्वायर सरल करना है इसको सर्वसमिका का उपयोग करके सरल करें ठीक है तो बताओ b माइनस सेवन का होल स्क्वायर में कौन सी सर्वसमिका का हम प्रयोग करेंगे चलो बताओ पढ़ाओ के यहाँ तीन सर्वसमिका लिखा है ना यहाँ पे तीन को एक्सप्रेशन लिखा होगा इसमें पहला प्रयोग होगा इस क्वेश्चन के लिए कि दूसरा तीसरा दूसरा होगा क्योंकि बी माइनस सेवन है ए माइनस बी है यहाँ ए बराबर बी है बी बराबर माइनस सेवन क्लियर तो इतना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हियर A इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू माइनस सेवन क्लियर हो गया क्या होगा इसका होगा बी स्क्वायर माइनस सात दूनी चौदह बी प्लस एनी प्रॉब्लम किसी को दिक्कत कौन सा सरस्वतिका का उपयोग करके बनाए देख लिया बस इस पर बैठाना इधर मिल रहा है कि इधर अगर इधर क्वेश्चन में मिल रहा है तो इधर लगा देंगे
और इधर वाला मिल रहा है को इधर कर दे, बस यही तो करना है। नोट करो इसको, नोट करो। हम लोग भी सर। आप इसको बता दीजिए सर। हम लोग भी सर। सब लोग। ना ना तुम लोग विदेश से पढ़ के आई है क्या? तुम लोग नोट नहीं करेंगे? हम झूठे चिल्ला रहे हैं क्या? विदेश पढ़ने जाएगी अभी क्या? सबके लिए ना आ जाए। चलो नोट करो। समझ में आ गया? सर्वसमिका का उपयोग करके बनाना है। और एक चीज और इधर ध्यान दो, ये फॉर्मूला रटा हुआ चाहिए। घर जाकर बैठ लेंगे और 10-20 मिनट रट लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10-10 मिनट के लोग रट लेंगे, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ये फॉर्मूला तुमको जिंदगी भर या पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक पढ़ाई करोगे। समझ गई? मैथ का पढ़ाई जब तक करोगी तब तक ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। 8वां 9वां 10वां इंटर बीए आईएससी बीएससी एमएससी पीएचडी सब जगह इसका उपयोग होगा। इसलिए ये फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए। मैथ की पढ़ाई करोगी तो फॉर्मूला का उपयोग तुमको यूज हर जगह मिलेगा। समझ गया? इसलिए इस फॉर्मूले को कंठस्थ कर लेंगे हम लोग तीनों फॉर्मूला। और खासकर तुम लोग का लड़की लोगों का उद्देश्य क्या है? इसी तरह मैट्रिक पास करना लड़की लोगों, तो मैट्रिक तक इसके फॉर्मूला का तो गजब का उपयोग है, कहना ही नहीं। समझ गई? बीज गणित में इस फॉर्मूला का एलजेब्रा में मतलब इसी फॉर्मूला पर ही सारा क्वेश्चन आधारित है, डिपेंड करता है बीज एलजेब्रा में बीज गणित में। ठीक है जो, तो इसको रट लो पूरा, तीनों रट लेना तीनों फॉर्मूला।